मित्रों, मैं जागृति कक्षा छठी से आज आपको दिवाली पर एक निबंध सुनाने जा रही हूँ। चलिए आरंभ करें। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, यह त्योहार भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने स्वागत में दीप जलाए थे। दिवाली रोशनियों का त्योहार है। इस दिन घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है और यह त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग घर में दीपक जलाकर खुशी मनाते हैं और बच्चे और लोग नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे बजाते हैं। यह त्यौहार भारत, नेपाल, श्रीलंका में भी मनाया जाता है। यह इस दिन घरों को फूलों, लड़ियों और रंगोली से सजाया जाता है। दिवाली को दीपोत्सव भी कहा जाता है। यह त्यौहार सिख, जैन और अन्य धर्म के लोग भी मनाते हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और इस दिन घर में ढेर सारे पकवान बनते हैं। और चलिए अब दिवाली के ऊपर एक कविता सुनाई जाए। दिवाली आई खुशियों की बहार लाई, धूम धड़क चक्री बम हवाई जहाज। दिवाली आई आएगी मिठाई दिवाली आई। धन्यवाद आपको एक बार और फिर से शुभ दीपावली।